नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भेरुंदा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में धार्मिक स्थलों एवं अन्य संस्थाओं पर लगे हुए लाउड स्पीकर को बंद कराने एवं खुले में बिना लाइसेंस के मांस मछली विक्रय करने वाले दुकानदारों की दुकानें और खुले बोरवेल को बंद कराने के संबंध में भेरुंदा के कृषक संगोष्ठी भवन में SDM मदन सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर भेरुंदा के सभी गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु और शादी गार्डन संचालक और DJ बजाने वालों और मांस मछली विक्रेता उपस्थित रहे। इस दौरान भेरुंदा SDM मदन सिंह रघुवंशी द्वारा सभी मौजूद लोगों को शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने व नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। के बाद रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में, वो भी रात में 10 बजे के पहले पहले, सुबह 6 बजे तक और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल प्रतिबंध, वो भी परमिशन के बाद। ऐसा ही क्या हमने टाइम बता दिया तो उसमें हम अपना बनाए रखे। ये अभी कार्रवाई ने जो भी दुकानें 2 बजे तक कर ली है और 2 बजे के बाद से जो शासन प्रशासन द्वारा आज से लागू किए गए हैं, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से किए जाएंगे, क्रियान्वयन कैसे हो? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने कुछ आदेश जारी किए हैं। उसमें एक ही ये है कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाना है। दूसरा, कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के नहीं बजाया जाएगा और उसके भी लिए निर्धारित डेसिबल की आवाज़ में ही बजाए जाएंगे जब भी कभी अनुमति होगी। दूसरा है कि मांस मछली अंडे विक्रय के लिए खुले में कोई विक्रय नहीं होगा और बिना लाइसेंस के कोई विक्रय नहीं होगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस ले लें और उसके लिए भी नियम ये है कि धार्मिक स्थल स्कूल या आंगनबाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर ही वो होगा और खुले में किसी प्रकार का जो है विक्रय नहीं किया जाएगा, उसको ढक के रखा जाएगा, ऐसा रखा जाएगा कि वो पारदर्शी ना हो। अनुमति के क्या प्रावधान रहेंगे? अनुमति नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन उसमें अनुमति देगा, उसमें वो जगह निश्चित करेगा, जहाँ जिस जगह पे अनुमति मिलेगी उसी जगह व्यापार हम कर सकेंगे। ध्वनि विस्तार केंद्र के लिए अभी जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे, शासन ने अभी निर्णय जैसे लेगा कि आगे धार्मिक स्थलों पर या उसके लिए ध्वनि विस्तार केंद्र की अनुमति का क्या वो निर्देश जारी करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अनुमति जारी करेंगे। और कोल्हा नियंत्रण अधिनियम बनाए इसके लिए उसके परिधि में जो आएंगे उसको अनुमति दी जा सकेगी। और एक और है कि जो बोरवेल और कुएं वगैरह जो खुले रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर से जो सिंचाई वगैरह के लिए हम उनका उपयोग करते हैं और उनमें खुले होने से जो है आजकल बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, उनको तत्काल बंद कराना है। कुएं भी अगर हैं जिनमें मुढ़ेर वगैरह नहीं बनी है उनको मुढ़ेर बनाकर उनको जाली लगाकर ढके जाना है। उसके लिए 7 दिन का समय उनको दिया गया है और सभी जगह हम उसका सर्वे कर रहे हैं और उनको तत्काल बंद कर। शराब को लेकर भी कोई शराब को लेके अभी नया कोई नियम नहीं है, जो आबकारी नीति है उसके अनुसार ही जो है शराब की दुकानें खुलेंगी और उसके अनुसार ही विक्रय होगी। नहीं लेकिन सर वो भी लोग खुले में बैठ करके पीते हैं शराब भी, यहाँ पर खुले में बैठकर पीने का कोई नियम ही नहीं है और अगर वो है तो उल्लंघन है। गांव बिक रही है सर, अभी गांव अगर बिक रही है तो वो उसको हम बंद कराएंगे और उसके लिए कोई किसी प्रकार का नियम नहीं है। निर्धारित जो दुकान है या कोई आता है वही दारू पी जा सकती है या फिर घर पर आकर। नहीं, इससे पहले भी नियम बनाए गए थे कि आते उन बंद कर दिए गए दारू, मतलब जो है जिसको पीना है वो अपने घर ले आकर के पिए, उसके बाद में भी खुलेआम पिए जा रही थी। खुलेआम पी जा रही तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर ढोल बाजे इससे संबंधित कोई नियम नहीं, उसमें जो है कोई भी आवाज जो निर्धारित आवाज है उससे ज्यादा आकर होती है तो वो उसके परिधि में आता है। रेसिडेंशियल एरिया में वो तो एक तो परमिशन जरूरी है, उसके बाद जो है रेसिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल दिन में और रात में जो है 10 बजे के पहले तक जो है 45 डेसिबल से ज्यादा की आकर आवाज होती है तो उसका उल्लंघन माना जाता है और वो भी बिना अनुमति के तो बजाया नहीं जा सकता। परमिशन हमें यदि किसी को ढोल बाजे या यदि कुछ बजवाना हो तो उसके लिए उसकी अनुमति लगेगी। भेरुंदा से खबर समय जगत के लिए वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।